गाइस तो एक फोन आ गया था अर्जेंट, तो इसलिए वीडियो मेरे को बंद करना पड़ा। सो वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर फोन लेने वो चैलेंज कर रहे हैं, और जहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बना है ताकि वहाँ पे फ्लाईओवर बना, ताकि ये पूरा जो आपका ये देखिए क्रॉसिंग हो रही है। अरे बाप रे, पत्थर उठा के मारने वाली थी वो तो। तो और जहाँ पर अभी फोर जैसे यहाँ पे फोर लेन है तो यहाँ तो रहेगा, फोर लेन रहेगा। और जहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बना, फ्लाईओवर बना इससे क्या रहेगा ना, पूरा जो जर्नी एकदम स्मूथ हो जाएगी। कहीं पे भी आपको मीन्स फ्लाईओवर होते होते सीधा कहीं ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा। अब आगे में भी एक डायवर्जन है, आगे में भी फ्लाईओवर बन रहा है, जैसे मैं अगर आप देख सकते हैं तो ये सामने फ्लाईओवर बन रहा है इधर। यहाँ की तो सर्विस लेन सही है इस साइड में। आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा अभी इसमें छोटे छोटे पार्ट्स है। मेन जो इसका जो अभी काम जो बचा है ये फ्लाईओवर का ही है। चार पांच जगह होगा फ्लाईओवर्स, अभी हुए नहीं है कंप्लीट। अभी ये साइड रोड का है, ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है, कुछ शायद मे भी ओपन हो जाए कुछ दिन बाद। इधर में भी फ्लाईओवर है, इधर ये वाला रोड उधर से तो गाड़ी आ रही है। हाँ, अब इन्होंने यहाँ से अब हम फ्लाईओवर पे आ जाएंगे, वापस से हम आ गए एक्सप्रेस वे पे और फ्लाईओवर पे। यहाँ पर रिलायंस जियो का है, बीच बीच में आपको मिलेगा एचपी का मिलेगा, पीछे एक गया था एचपी का गया था, और बैरकपुर क्रॉस हो गया है। अब मेरे ख्याल से थोड़ी देर में आ जाएगा मछड़ा बड़ा आएगा। तो यहाँ तो फोर लेन है अभी, रोड की कंडीशन अच्छी है। जहां जहां पे भी इन्होंने रोड दिए हैं मीन्स आपको जहां पे भी आपको मिल जाएगा एक्सप्रेसवे प्रॉपर, वहां पे आपको रोड अच्छा मिलेगी। आराम से आप 80-100 के स्पीड पे गाड़ी कर सकते हैं ड्राइव। अब यहाँ पर एक टोल बूथ बन रहा है, ये आप देख सकते हैं टोल बन रहा है। तो ये तो अभी हुआ नहीं है, ये बन रहा है अभी। एक ख्याल से जब ये पूरा स्ट्रेच तैयार हो जाएगा तब यहाँ पे फिर टोल भी होगा। वो टोल कितने का होगा आई डोंट नो, बट इस पूरे स्ट्रेच में एक ही टोल है, टोल गेट ख्याल से 80-100 हो गए। अब वापस हम आ गए
एक्सप्रेस वे पे आगे, वो आगे एक बोर्ड लगाया हुआ है उस पे देखते हैं क्या दिखा रहा है। और जो लोग हमारा जो दार्जिलिंग जाते हैं ना तो वो भी इस एरिया जा सकते हैं। यहाँ भाटपाड़ा 3 किलोमीटर, कोल्यानी 15। ये देखिए अभी फिर से एक और ऐसे डायवर्जन आ गया। और ये ऊपर एक्सप्रेस वो फ्लाईओवर, ये तो कंप्लीट लग रहा है, ये फ्लाईओवर कंप्लीट है, ये मेरे ख्याल से जल्दी चालू हो जाएगा। ये एक और पेट्रोल पंप एचपी का, यहाँ पर फ्लाईओवर में ऊपर वाला पार्ट पे थोड़ा सा काम अभी ये बचा हुआ है। तो दोबारा से हम आगे गए एक्सप्रेसवे पे, एंड जब ये पूरा जैसे मैं कह रहा था कि जो लोग ऐसे जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग साइड जाते हैं सिलीगुड़ी, तो अगर वो इधर से आए यहाँ से डायरेक्ट कल्याणी जाए तो उनका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि उधर यशो रोड साइड में काफ़ी ज़्यादा उधर आपका वो उधर टाइम बहुत लग जाता है। तो कल्याणी से आप वापस से वो जो मेन हाईवे है उस पर आ सकते हैं। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो मुझे लगता है बस भी है, जितनी भी बस है जो जाती है आपका सिलीगुड़ी जाती है, मालदा जाती है, वो सब जाएगी इससे ही जाएगी। ये जब पूरा चालू हो जाएगा ना तो पूरा बहुत, ये 40-50 जो किलोमीटर्स है इसमें टाइम बहुत सेव होगा। देख सकते हैं ये स्ट्रेच कितना अच्छा सीधा। जब भी आप हाईवे पे या एक्सप्रेस वे पे चला रहे हैं तो लेन का पालन करें। अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं तो मेक श्योर आप पहले इंडिकेटर दे रहे हैं ताकि पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको पता चल जाए कि आप लेन चेंज कर रहे हैं। मेरा समय स्पीड 100 है तो इस वैगन आर का तो 120 के ऊपर होगा। याद आ रहा है मलंचा 1 कोल्यानी 10, मतलब राजेंद्रपुर, मतलब हमने 5 किलोमीटर मुझे पता भी नहीं चला कितना आराम से हो गया, कवर हो गया। क्रॉस कर रहे हैं हाली शहर और यहां से कल्याणी है 8 किलोमीटर है जो एरिया है ये हाली शहर का है।
शहर के बाद अब आएगा पाछड़ा पहाड़ आएगा। अभी एक और सामने वो है बोर्ड है, ये बोर्ड पे क्या लिखा देखते हैं। अब आ गया है कच्चा पाड़ा 2 किलोमीटर कोल्यानी 6 किलोमीटर 12 जगुली 10। अब यहाँ से आप देख सकते हैं डाइवर्जन है इधर, इधर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इधर बन रहा है, इधर आगे मैं देख सकता हूँ बन रहा है। ये स्ट्रेस थोड़ा सा लंबा है, ऑफ रोडिंग होगी यहाँ पे थोड़ी सी, इधर में रोड आगे थोड़ा ठीक नहीं है। अगर आपको पता है सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता है, तो मैं कल गया था, मैं आज फिर से वापस आया हूँ, फिर अभी जा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि कहाँ पर रोड कैसी है। देख लीजिए ये रोड वैसे ठीक नहीं है, सर्विस लेन ऑफ रोडिंग है इधर, और इधर लेफ्ट में है पाछड़ा पाड़ा इधर में, और इधर भी इनके यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है। आप आइए तो इनके यहाँ चाय पीजिए, कल हम चाय पिए थे यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप रोड का कंडीशन, ये है रोड टूटी उठी है थोड़ी सी, इधर से थोड़ी ठीक है। अब बस हम थोड़ी देर में कोल्यानी एंटर कर जाएंगे, ये वैन वाला थोड़ा सा उसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ था, राइट की तरफ जा रहा है। ये वाला जो ऊपर है ये जाता है बागरा जूबी साइड, साइड का व्यू बहुत अच्छा है, इधर भी आप देख सकते हैं व्यू। काचापाड़ा में डाइवर्जन काफी सारे हैं, ऑफ रोडिंग है, इधर में कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इधर तो रोड बहुत ज्यादा इधर खराब है, यहाँ पे रोड बहुत ज्यादा है खराब। हाँ ये पार्ट में थोड़ा सा इधर गाड़ी जानी पड़ती है, ये ऊपर ऊपर तो पूरा ये आप देख सकते हैं कंप्लीट है। ये मेरे ख्याल से 4 लेन है ऊपर, 1 2 हाँ 4 लेन है ऊपर। यहीं से कोल्यानी स्टार्ट हो जाता है, तो ये आप देख सकते हो ये यहाँ से डाइवर्जन है। अब वापस से हम आ गए एक्सप्रेस वे पे, यहाँ पे सिग्नल है रेड सिग्नल, नीम तला इन लेफ्ट काचापाड़ा रेलवे स्टेशन नहीं, लेफ्ट में काचापाड़ा रेलवे स्टेशन है, इधर नीमतला है और सीधा मोगरा। सो गाइस बस अब हम कोल्यानी यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर होगा, उधर रेलवे ब्रिज है क्रॉसिंग है, अभी आएगा नीचे अपना रेलवे लाइन है कोल्यानी वाला। ये नीचे से जाता रेलवे लाइन,
ये हम आगे से लेंगे राइट कॉलोनी एंटर करने के लिए, और राइट लेते एक कॉलेज आता है, जिस कॉलेज, GIS, जिस कॉलेज। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एंड नाउ वी आर इन कल्याणी। ज्यादा दिक्कत हुई नहीं आने में, आराम से आ गए हम लोग। बस वो बीच में थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन होता है, उसका आपको ख्याल रखना है। एंड जब आप आते हो एक्सप्रेस वे पे तो उसका भी आपको थोड़ा सा स्पीड का आपको रखना है ख्याल। की कोशिश करिए 100 के ऊपर आप जाइए मत, क्योंकि लोकल पब्लिक है, रॉन्ग साइड से भी आ सकती है, कुत्ता आ सकता है, कुछ भी है, उसमें आपको गाड़ी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जिस कॉलेज है। सो गाइस, हम पहुंच गए अब कल्याणी, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो पूरा आप रख लो कि एक साल अभी लग जाएगा ट्रिप पूरा कंप्लीट होने में टोटल, क्योंकि बीच बीच में काफी जगह पे कहीं कहीं पे, जैसे जब कोलकाता से जब ये एक तो वहां से बन रहा है बेलगोरी एक्सप्रेसवे से, वो टाइम लगेगा। फिर बीच बीच में आपका वो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, टोटल जो कंप्लीट स्ट्रेच है बेलगोरी एक्सप्रेसवे से लेके कुलाई तक, ये मेरे ख्याल से साल भर लग जाएगा कंप्लीट होने में। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ गाइस, एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, एंड जिन्होंने अब तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरा जो दूसरा चैनल है मेट्रो बीस्ट, उसको भी आप कीजिए सब्सक्राइब, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।